हे गाइस, आई एम श्योर आप लोगों ने हमारी रिपोस्टिंग की वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें आप लोगों को 15-20 डॉग्स देखने को मिलेंगे और सभी का प्राइस पहले से बहुत ही कम हो चुका है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा, तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। और अगर आप लोगों को जर्मन शेफर्ड परचेज करना है तो उस वीडियो पे आप लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इस वीडियो में जो ये जर्मन शेफर्ड पपीज हैं, इनका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है। तो फ्रेंड्स, ओनर के पास सिर्फ ये दो ही पपीज अवेलेबल हैं एंड दोनों ही मेल हैं। तो अगर आप लोग जर्मन शेफर्ड पपीज को कम प्राइस में परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, आगे मैं आप लोगों को इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। और हाँ गाइस, फर्स्टली मैं आप लोगों को बता दूं कि इन पपीज के मदर फादर की फोटोज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप लोगों को डॉग ओनर से ही कॉन्टेक्ट करके इस बारे में डिस्कस करना होगा। और सिर्फ ये जर्मन शेफर्ड ही नहीं, वीडियो में आप लोगों को एक और डॉग देखने को मिलेगा जो है डोबरमैन, और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो वो स्टड एंड सेल दोनों के लिए अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, ये जर्मन शेफर्ड पपीज नॉर्मल पेट क्वालिटी में है एंड उसके अकॉर्डिंग प्राइस बहुत ही जेन्युइन है। वैसे जर्मन शेफर्ड पपी शॉर्ट कोट में है, जिसके कोट को मेंटेन रखना काफी इजी होता है और गर्मियों में भी इन डॉग्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जर्मन शेफर्ड एक बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, जिन्हें ट्रेंड करना काफी इजी होता है और आप लोग इन्हें बहुत से अलग अलग कामों के लिए ट्रेंड कर सकते हैं। एंड जर्मन शेफर्ड को आप लोग किसी भी टाइप्स की फैमिली में रख सकते हैं, और चाहे आप लोग फर्स्ट टाइम ओनर्स हो या फिर सेकंड टाइम ओनर्स, जर्मन शेफर्ड को कोई भी परचेज कर सकता है, बिकॉज ये वन ऑफ द लॉयलेस्ट डॉग ब्रीड में से एक है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है परजवाल गाने पेट्स लवर, सेकंड है अक्षय कुमार एंड थर्ड है ऋषि पटोले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो आज ये 51 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है जयपुर राजस्थान से। बट गाइस, डिलीवरी आप लोगों को इन पपीज पर अवेलेबल नहीं मिल पाएगी, इन्हें परचेज करने के लिए आप लोगों को डायरेक्टली ओनर के पास विजिट करके इन्हें परचेज करना होगा। सो गाइस, अगर आप लोग इन्हें पेयर में परचेज करते हो तो आप लोगों को और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जर्मन शेफर्ड पपी सिर्फ मेल ही अवेलेबल है और ओनर जो इनके सिंगल पपी के प्राइस की डिमांड की है वो की है 7,000 रुपीज 7,000 रुपए। बट अगर आप लोग दोनों को एक साथ परचेज करते हैं तो ये दोनों आप लोगों को 12,000 रुपीज यानी 12,000 रुपए में मिल जाएंगे, तो एक पपी आप लोगों को 6,000 रुपीज में पड़ जाएगा। और हो सकता है कि परचेज करते टाइम आप लोगों को इस प्राइस में भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस जर्मन शेफर्ड के बाद बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के डोबरमैन डॉग के बारे में। तो गाइस, ये डोबरमैन सेल एंड स्टड सर्विस दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपनी फीमेल की मैटिंग इसके साथ कराना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इस डोबरमैन की क्वालिटी तो अच्छी है ही, साथ में इसकी हेल्थ और हाइट भी बहुत ही बढ़िया है। तो अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो डोबरमैन 2 years 3 months का हो चुका है एंड लोकेशन दोनों की सेम है, जयपुर राजस्थान से। और फ्रेंड्स, मैटिंग चार्ज की बात करें तो ओनर आप लोगों को एक पपी के ऊपर भी मैटिंग करा देंगे, बट कैश कितना लेंगे उसके लिए आप लोगों को खुद ही डिस्कस करना पड़ेगा। और अगर बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है जस्ट 10,000 रुपीज यानी सिर्फ 10,000 रुपए। भाई, क्वालिटी के हिसाब से प्राइस बहुत ही डिसेंट है, आई एम श्योर आप लोगों को इसकी क्वालिटी और प्राइस काफी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं आप लोगों से एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।